हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मशरूम की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। आई होप आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मैंने मशरूम के पैक को खोल दिया है और अब हम इसको पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे। और मैंने धोने के बाद इसको काट लिया है। तो अब हम कढ़ाई में लेंगे देसी घी। आप चाहे तो ऑयल या रिफाइंड भी ले सकते हैं। मैंने देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी से फ्राई करने में इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम मशरूम को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मशरूम बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे और कढ़ाई में जो भी घी बचा है हम उसी में जीरा, धनिया और प्याज डालकर उसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब थोड़ा भून जाए तो हम उसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट और उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमारा प्याज और अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर, साथ में डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और मैंने MDH का किचन किंग मसाला लिया है और साथ में डाला है मैंने MDH का ही चाट मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसको ढककर थोड़ी देर गलने तक पकने देंगे। और जब यह थोड़ा पक जाए तो इसमें डालेंगे हम एक बड़ी चम्मच दही और इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो अब हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है और हमारा ऑयल एकदम सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें मशरूम को मिक्स करेंगे और उसको थोड़ी देर ढककर पकने देंगे। मशरूम बहुत ही जल्दी बन जाती है तो हमें इसे बस 5 मिनट ही पकाना है। हमने मशरूम को बहुत ही नॉर्मल मसाले में बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू।